क्लास फोर इंग्लिश सेकेंड पेज नंबर 66 वी विल राइट अ लेटर टू अवर प्रिंसिपल फॉर रिक्वेस्टिंग अ डेज लीव। आपके दादी जी बीमार हैं, सीरियस हैं, आप उनको देखना चाहते हो, तो आप सर को आप या मैडम को एप्लीकेशन लिखो। लेट अस नाउ राइट दिस एप्लीकेशन और लेटर टू आवर प्रिंसिपल। गेट नंबर 4 रजत ग्रह बूंदी राजस्थान। राइट फर्स्ट लाइन इन योर कॉपी। नेक्स्ट राइट इन नेक्स्ट लाइन द प्रिंसिपल। नेक्स्ट द न्यू पल अकेडमी। देन राइट बूंदी। देन राइट रेस्पेक्टेड सर, आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल एज माई ग्रांड मदर इज इल। मैं स्कूल में आने में असमर्थ हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी दादी जी बीमार है। ग्रैंड मदर दादी जी या नानी जी। आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। सो प्लीज़ ग्रांड मी अ डेज लीव, कृपया करके मुझे छुट्टी दे दीजिए। आई विल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी या आपको धन्यवाद देती हूँ। योर्स एविडेंटली, फर्स्ट राइट योर नेम, देन राइट क्लास, देन राइट डेट। ओके बेटा। अगेन गेट नंबर 4 रजत ग्रह बूंदी राजस्थान। द प्रिंसिपल न्यू पल अकेडमी बूंदी। रिस्पेक्टेड सर, आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल एज माई ग्रैंड मदर इज इल। आई वॉन्ट टू सी हर, सो प्लीज़ ग्रांट मी लीव, अ डेज लीव। आई विल बी थैंकफुल टू यू। योर्स ऑबिडेंटली, नेम, क्लास एंड डेट। आपको कॉपी में भी लिखनी है और याद भी करना है। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ये आपके फाइनल पेपर में आएगा। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? थैंक यू।